हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन 153, जिसको स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन बोला जाता है। ये चाहे डिप्लोमा होल्डर हो, चाहे बीटेक वाले हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ओवरमैन का, माइनिंग सरदार का, या फिर गैस टेस्टिंग का, ये सबके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है, याद करना, जानना। तो इसके बारे में समझेंगे। उससे पहले जो भी गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगर चाहें तो यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा और यहाँ पे जो ज्वाइन बटन है इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दो प्लान है, एक है जॉब एनालिसिस और एक नीचे है गैस टेस्टिंग क्लास प्रीमियम का। तो जो जॉब एनालिसिस है उसको मैं आने वाले टाइम में लॉन्च करूँगा, अभी फ़िलहाल वे बंद है, उसमें कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। बट यहाँ पे जो गैस टेस्टिंग प्रीमियम क्लासेस में मैं लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आप अगर अभी ज्वाइन कीजिएगा तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आप क्लासेस कर सकते हैं। उसमें आपको वीडियो टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन बटन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा या फिर एड बैंक विथ भीम UPI करेंगे। तो अगर डेबिट कार्ड करिएगा, अगर आपके पास वीज़ा वाला कार्ड है या ग्लोबल है तो, रुपए वाला हम शायद एक्सेप्ट ना करें। और बैंक UPI मतलब फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह से आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा फ़ोन पे नंबर डाल के यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे करके यहाँ बाई पे क्लिक कीजिएगा तो हो जाएगा। एक बार जब आप प्रीमियम प्लान ले लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा है, यहाँ पे ज्वाइन बटन की जगह पे सी पर्क का ऑप्शन आएगा। आप सी पर्क में जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके लिए जितने वीडियोस होंगे वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, ह्यूमिडिटी और कुछ ऐसे PDF मैंने डाले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट डाले हैं, टेस्ट सीरीज भी होने वाला है बहुत जल्दी। ऐसे करके ये सब आपको शो हो जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली अगर आप ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पर स्लाइड करके वीडियोज़ प्लेलिस्ट ऐसे स्लाइड करते हुए मेम्बरशिप में जाएंगे, ऊपर में मेंबरशिप लिखा हुआ है, ऐसे करके आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आप टॉपिक पे आते हैं। तो इसका वेंटिलेशन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि अंडरग्राउंड माइंस में इंटेक रास्ता में शुद्ध हवा भेजना, साफ हवा भेजना और माइंस का हर जगह पे पहुंचाना और वहां का जो इम्प्योर हवा है उसको बाहर निकालना। मतलब भूमिगत खदानों में इंटेक रास्ते से साफ शुद्ध हवाएं भेजना और माइंस की इम्प्योर हवाओं को रिटर्न रास्ते से बाहर निकालना ही वेंटिलेशन कहलाता है। वेंटिलेशन का ये जो रेगुलेशन है 153, इसको समझने के लिए आपको चार पैरामीटर्स को देखने होंगे, ठीक है। मैंने ये कहीं पे देखा था तो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने वहीं से इस चीज़ को समझा है। तो पैरामीटर एक्चुअली इसका चार है, क्वालिटी के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे और एग्जामिनेशन के बेसिस पे। चार पैरामीटर आपको बस याद करना, अगर आप पूरा का पूरा पॉइंट याद करेंगे तो मे भी आप भूल जाइए, बट चार अगर पॉइंट आप याद कर लेंगे कि पहले क्वांटिटी याद रखना है, फिर क्वालिटी, फिर टेम्परेचर, फिर एग्जामिनेशन, ऐसे करके याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ एयर क्या होना चाहिए, मतलब हवा का मात्रा माइंस में कितना होना चाहिए। तो ये दो आधार पर होता है, पहला जो है वो है मेन पावर के आधार पर, दूसरा जो है वो है प्रोडक्शन के आधार पर। अगर मेन पावर के आधार पर बात करें, मतलब कितना माइंस में आदमी काम कर रहा है उसके हिसाब से अगर हवा देखें तो हर आदमी पे 6 m³ प्रति मिनट का दर से हवा उसको मिलना चाहिए, यानी 6 m³ पर मिनट पर पर्सन, मैन पावर के आधार पे। अगर प्रोडक्शन के आधार पे देख रहे हैं तो जितना भी माइंस में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 2.5 m³ पर मिनट पर टन के हिसाब से उसको मिलना चाहिए हवा, जो है उस जो आखिरी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक ये पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो ये हवा का क्वांटिटी हो जाएगा, ये हवा का मात्रा हो जाएगा। अगर मैन पावर के हिसाब से देख रहे हैं तो 6 m³ पर मिनट, और अगर प्रोडक्शन के आधार पर देख रहे हैं तो 2.5 m³ पर मिनट। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उतना हवा माइंस का कम से कम जो लास्ट वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट होगा, लास्ट वेंटिलेशन सेक्शन होगा, वहाँ तक पहुँचना चाहिए, यही नियम है। सेकेंड, अब बात करते हैं क्वालिटी का। तो क्वालिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणवत्ता के हिसाब से, मतलब उसमें कुछ पॉइंट आपको याद करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि भैया ऑक्सीजन जो है वो आपका 19% से कम कहीं भी नहीं होगा, माइंस में कहीं भी आपका ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होगा, ठीक है। और जब 17% होता है तो फ्लेम सेप्टिलम बुझ जाता है, तो 17% नियम नहीं है, नियम है कि 19% से कम ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, नॉर्मली 21% होता है, आपको पता होगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गर्म गैस की बात करें यानी फायर डैम की बात करें तो उसका दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि GBA का मतलब होता है जनरल बॉडी ऑफ एयर, उसमें रिटर्न साइड में 0.75% से ज़्यादा नहीं होगा, और माइंस में कहीं पर भी, चाहे रिटर्न हो, चाहे इनटेक हो, चाहे कहीं पर भी हो, 1.25% से ज़्यादा गैस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा,
गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया जीबीए जनरल बॉडी ऑफ एयर में रिटर्न साइड में 0.75%, जबकि माइंस में कहीं भी 1.25%। जबकि रिटर्न हवा में आदमी को आना जाना कम होता है, इंटेक साइड में आदमी आना जाना करता है, तो फिर इंटेक के जगह पे रिटर्न में इतना कम में ही क्यों हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं? पहले से जितना इंटेक साइड का हवा है वो सारा का सारा रिटर्न साइड में जा रहा है, तो रिटर्न साइड में कंसंट्रेशन के बढ़ने में कभी भी देरी नहीं लगती है। अगर इंटेक से हवा लेके जा रहा है तो अचानक से बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि इंटेक में कहीं भी हवा निकल रहा है, कहीं भी अगर गर्म गैस निकल रहा है तो वहाँ का तुरंत गर्म गैस को मिला करके वो रिटर्न साइड में ले जाएगा। इसीलिए रिटर्न साइड में कम में ही हम लोग सावधानी ले लेते हैं, जबकि माइंस में कहीं भी 1.25% में लेते हैं, क्योंकि उसको हम लोग उस जगह से हटा सकते हैं, ठीक है। रिटर्न साइड में हमको टाइम लगता है, वेंटिलेशन ठीक करना पड़ता है। इसके बाद बोला गया है कि कोई भी हानिकारक गैस इतना मात्रा में मौजूद नहीं रहेगा कि लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। तो जो सेकंड पॉइंट है वो क्वालिटी है, जिसमें आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फायर अटैम्प के बारे में याद करना है, तीन पॉइंट आपको याद करना है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में बोला गया है WBT का मतलब होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ह्यूमिडिटी जब नापते हैं तो ह्यूमिडिटी नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर दो टाइप का होता है, रीलिंग और डिजिटल। रीलिंग वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब हाथ में पकड़ के जोर से घुमाते हैं 200 RPM के स्पीड में 2 मिनट तक। तो उसके बाद जो टेम्परेचर लेते हैं, तो पहले वाला हम लोग ले लेते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट मतलब दो, उसमें थर्मामीटर होता है, उसमें से एक जो होता है उसमें हम लोग मसलिन क्लोथ डुबा के पानी में उसमें लपेटते हैं, तो वो वाला टेम्परेचर लेते हैं। ये टेम्परेचर जो है वो 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड को पार नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए वहाँ हवा का जो मात्रा होगा उसको हम बढ़ा देंगे, और हवा जो है हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड से कम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए इससे कम, ठीक है। तो जो थर्ड चीज़ याद करना है टेम्परेचर में, वो बस यही याद करना है कि WBT 33.5% से ज़्यादा नहीं, और 30.5 जब भी होगा तो हम लोग हवा का मात्रा 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बढ़ा देंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं एग्जामिनेशंस में। एग्जामिनेशन में आपको क्या याद करना है भैया? सबसे पहले याद करना है कि कम से कम 30 दिन में एक बार हवा का सैंपल लेंगे, ठीक है, कम से कम 30 दिन में हवा का सैंपल लेंगे। ये कौन सा कंडीशन है याद रखिएगा, ये नॉन फायरी वाला सिम का कंडीशन है, ये 1 डिग्री सिम का कंडीशन है। अगर 2 डिग्री होता है या फिर अगर गैसी माइंस हो जाता है, फायरी सिम हो जाता है, उस कारण में, उस सिचुएशन में आपको 14 दिन में हवा का सैंपल लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 1st डिग्री का ऐसा ही नियम है। इसके बाद मैन मैकेनिकल वेंटिलेशन से माइंस में वेंटिलेशन का व्यवस्था करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ के दूसरा साधन का यूज़ नहीं करेंगे। तो बेसिकली इसमें 4 पॉइंट थे सर, एक बार रिविजन करना चाहेंगे। पैरामीटर 4 थे, क्वांटिटी, क्वालिटी, टेम्परेचर, एग्जामिनेशन। क्वालिटी में आपने पढ़ा मैन पावर के हिसाब से 6 m³/min/person, प्रोडक्शन के हिसाब से 2.5 m³/min/per ton, दोनों में जो ज़्यादा होगा वो भेजेंगे। फिर था क्वालिटी, क्वालिटी में 3 पॉइंट आप याद रखें, ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% से कम नहीं होगा, और गर्म गैस के बारे में दो चीज़ था, रिटर्न साइड में 0.75% और माइंस में कहीं भी 1.25%। देन आप टेम्परेचर के बारे में पढ़ें, टेम्परेचर यानी WBT का बात किए, वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 से ज़्यादा नहीं होगा, 30 से ज़्यादा होगा तो 1 m/s का स्पीड से हमको वहाँ हवा भेजना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में 30 दिन में कम से कम आपका हवा का सैंपल लेना है, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री फायरी है तो 14 दिन में लेना। अब कुछ पॉइंट है जो वेंटिलेशन से ही संबंध रखते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स है ये मैं आपके सामने बता दे रहा हूँ। सबसे पहला है कि माइंस में कोई भी पंखा बैठाने के 7 दिन के पहले रीजनल इंस्पेक्टर के पास सूचना भेजते हैं, ठीक है। कोई भी पंखा बैठाना है मतलब माइंस में अगर एक जगह से दूसरे जगह बूस्टर पंखा को शिफ्ट करना है तब भी हम लोग 7 दिन पहले भेजते हैं, ठीक है। तो मतलब एक पंखा है, कोई भी पंखा, उसको अगर हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट भी कर रहे हैं या फिर बाहर से ला के भी लगा रहे हैं अंदर में अंडरग्राउंड माइंस में, तो उससे 7 दिन पहले हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर को खबर करते हैं। इसके बाद बोला गया है कि बूस्टर पंखा का जो जांच होगा वो 7 दिन में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, यानी हफ्ता में एक बार सक्षम व्यक्ति के द्वारा जाँच किया जाएगा बूस्टर पंखा का। हवा की मात्रा हर 14 दिन में कम से कम एक बार इस जगह पर नापी जाती है। कहाँ कहाँ पे भैया? हर सिम या सेक्शन का मुख्य इंटेक रिटर्न रास्ते में, मतलब जो भी सिम है, जो भी सेक्शन है, जो भी पैनल है, उसका इंटेक रास्ता में और रिटर्न रास्ता में नापा जाता है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट है कि हर हवा शाखा यानी कि स्प्लिटिंग में शाखा शुरू होने के जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक हम लोग जाँच वगैरह करते हैं। हर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ हवा शाखा को आगे भाटों में बांट दिया जाता है
और फर्स्ट वर्किंग प्लेस में, इन जगहों पे हम लोग हवा को बेसिकली नापते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि अगर नॉन फायरी सिम है, 1 डिग्री है, तो 30 दिन में हवा का सैंपल लिया जाता, बट ऐसे 2 डिग्री और फायरी सिम है तो हम लोग 14 दिन में हवा का मात्रा लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से जगह पे लेते हैं? सीम सेक्शन का मेन इंटेक में, जहाँ भी हवा बढ़ रहा है उस जगह पे, वेंटिलेशन में जहाँ जहाँ हमको हवा भेजना पड़ता है, उसका फर्स्ट वर्किंग प्लेस, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि जिस माइंस में ऑक्सिलरी पंखा से अलग मैकेनिकल पंखा लगाते हैं, वहाँ 30 दिन के अंदर मैनेजर जो है वो रीजनल इंस्पेक्टर को स्टैंडिंग ऑर्डर भेजता है। स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो वेंटिलेशन से संबंधित हैं। तो आई होप स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन और कुछ पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वेंटिलेशन से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आएंगी, WCL का वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसको ज्वाइन कर सकें चैनल को। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।